हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक और टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोन प्लेट। ठीक है, जोन प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है और दो तीन तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले जोन प्लेट क्या है, इसमें कई फोकस लेंथ की कई सारी होती है, कई फोकस होते हैं। आप ये बताइए इसकी कॉन्वेक्स लेंस से तुलना करिए, तो इसकी कॉन्वेक्स लेंस से तुलना हम करा चुके हैं सर। ठीक है, अभी आज हम बात करने वाले जोन प्लेट के बारे में पूरा डिटेल, और इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपको जोन प्लेट समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा में लिखवा रहा है, लिखा यह लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए स्पेशली बनाई गई स्क्रीन होती है। यानी जोन प्लेट क्या है, एक स्क्रीन है जो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, रुकावट बोलते हैं, बाधा बोलते हैं, बनाई गई स्क्रीन होती है। इसका यूज फ्रेनल्स मेथड में वेव फ्रंट को हाफ पीरियड जोन में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फ्रेनल्स मेथड हम आपको बता चुके हैं पहले कई वीडियोस में। वेव फ्रंट क्या होता है, हिंदी में तरंगाग्र कहते हैं, तरंगों के समूह को वेव फ्रंट कहते हैं, को हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी हाफ पीरियड जोन्स को बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जोन प्लेट का। ठीक है, फिर हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी बनेगी कैसे सर, ये तो लिख दिया, इनके प्रोडक्शन के लिए एक व्हाइट पेपर शीट पर कंसेंट्रिक रिंग, कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, समकेंद्रीय प्रकार लिया, एक गोला बनाया, थोड़ी दूरी बढ़ाई, एक और गोला बनाया, थोड़ी और दूरी बढ़ाई, तो समकेंद्रीय को बोलते हैं कंसेंट्रिक रिंग्स, जिनकी रेडियाई, रेडियाई मतलब प्लूरल वर्ड है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, खींचते हैं तथा ऑड नंबर या इवन नंबर रिंग्स को ब्लैक इंक से कलर कर देते हैं। यानी सरल भाषा में कहें, हमने एक पेपर लिया, उस पे हमने क्या किया, ढेर सारी रिंग बना ली, उसमें या तो इवन यानी सम वाले या विषम वाले को काला काला रंग दिया, फिर उसका एक फोटोग्राफ खींचते हैं। अब एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ लेते हैं, यदि इवन नंबर रिंग्स को ब्लैक पेंट करें तो निगेटिव में यह ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी। पुराने जमाने में दोस्तों निगेटिव आया करती थी, जो ब्लैक होता था वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता था, बाकी सब व्हाइट व्हाइट दिखता था सर। ठीक है, तो जिसे हम लोग ब्लैक पेंट करेंगे वो कैसा दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट, कुछ इस तरीके का सर। देखिए लिखा हुआ डेवलप्ड निगेटिव ऑफ पैटर्न, यानी जो हमारे पास पैटर्न है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो ब्लैक है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, जो बाकी बचा हुआ यानी व्हाइट है वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है सर, ये हमारी निगेटिव डेवलप हो गई। अब हम क्या करेंगे, इससे फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए सर एक छोटा सा हमने चित्र और बना दिया। क्या किया हमने, हमने लिख दिया पॉइंट पी है, जहां पर हमने लिख भी दिया फिगर टू में एक जोन प्लेट एक्स वाई दिखाई गई है। ये एक्स वाई एक जोन प्लेट है जो क्या करेगी, आप बता चुके हैं हम, जोन प्लेट क्या करेगी, हाफ पीरियड जोन्स को बनाएगी, जिसमें ऑड नंबर जोन ट्रांसपेरेंट पॉइंट पी स्क्रीन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है। यानी ये देखिए जो पॉइंट पी है, इसमें दो नंबर है, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, तो लिख दिया ऑड नंबर वाली जो जोन ट्रांसपेरेंट है उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ऑड मतलब क्या होता है, विषम संख्या है, तो लिख दिया सर, इसलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बेस या बेस फ्रॉम ऑड नंबर जोन रीडिंग अ पॉइंट पी, यानी पी पे क्या होगा जरा देखिए, हमने क्या किया, इवन वाले नहीं है, कौन है, जिसमें ऑड नंबर वाले पहले ले रहा है, एक को कलर किया एक को ट्रांसपेरेंट रहने दिया, तो क्या आ गया, ऑड का मतलब विषम वाले जितने हैं, तो एम्पलीट्यूड होगा ए बराबर एम वन प्लस एम थ्री प्लस एम फाइव प्लस डैश डैश डैश, यानी जितने विषम वाले होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे किसमें, एम्पलीट्यूड में। ठीक, फिर हम लिखा यदि पूरे वेव फ्रंट को अनऑब्स्ट्रक्टेड कर दें, यानी सब हटा दें, कुछ भी नहीं पेंट करें, ठीक है, तब क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड हमने आपको पढ़ा रखा, इंटरफियरेंस में क्या होता है, जब दो से ज्यादा तरंगे आपस में मिलती हैं या तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, तो यहां पर जब हम सबको हटा देंगे तो बढ़ेगी नहीं इंटेंसिटी, कम हो जाएगी, तो अब की क्या गया, इवन वाले भी आ गए, लेकिन इवन वाले में क्या आया, एम वन था, ठीक है, माइनस एम टू प्लस एम थ्री माइनस एम फोर, इंटेंसिटी कम हो रही है, तो इस तरीके से अपनी एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, जब इसे हम लोग हल करते हैं पूरा कैलकुलेट करके तो आता है a1 a' बराबर एम वन अपॉन टू, यानी जब हम लोगों ने एक पोर्शन सम वाले को पेंट कर रखा था तो एम्पलीट्यूड इतना था, जब हमने सब कुछ हटा दिया कुछ भी पेंट नहीं करा तो एम्पलीट्यूड इतना हो गया। जाहिर सी बात है इसका मान एम वन में कुछ जुड़ रहा है तो इसका मान इसकी तुलना में कुछ कम होगा, तो हमने लिख दिया इस इक्वेशन से प्राप्त वैल्यू क्वेश्चन बल की वैल्यू से कम होती है, पॉइंट पी पर इंटेंसिटी की वैल्यू और अधिक होगी यदि जोन प्लेट को बे फ्रंट के सामने रखा जाए, यानी बे फ्रंट के सामने हम जोन प्लेट को रख दें तो यहां पर इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। फिर मैं लिख भी दिया यदि पी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो आर का मान हो जाएगा अंडर रूट एन बी लैम्डा, कैसे, पहले के लिए, पहले वाले के लिए क्या होगा, देखिए डिस्टेंस कितनी है बी, तो पहले वाले के लिए हमने यहां पर लिख भी दिया, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, कहीं पर लिखा था अभी हमने, ठीक है सर, तो आप हम लोग क्या करेंगे, देखिए आर वन का मान हो जाएगा वन लैम्डा, आर टू का मान टू लैम्डा, आर थ्री का मान थ्री लैम्डा, वैसे टोटल एन फ्रिंजेस होंगी, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, आर एन बराबर अंडर रूट एन बी लैम्डा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे
तो क्या आ जाएगा भैया, बी का मान आ जाएगा आर एन स्क्वायर बटे में एन लैम्डा। यहां लिख दिया यह डिस्टेंस जोन प्लेट की फोकल लेंथ के समान काम करती है, यानी यही फोकस दूरी हो जाएगी। एफ एन बराबर आर एन स्क्वायर, यह सफिक्स में एन है सर, ठीक है, आर एन स्क्वायर बटे में एन लैम्डा, ठीक है। यहां लिख दिया, इक्वेशन टू से क्लियर है। एफ एन का मतलब यहां 1, 2, 3 आप रख देंगे, 1 रखेंगे तो F1, F2, F3, F4 मान रखते जाएंगे और आपको कई सारे फोकस प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम शॉर्ट में कहें सर तो क्या है, देखिए सबसे पहले जोन प्लेट क्या होती है, जोन प्लेट होती है हाफ पीरियड जोन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाई जाती है। क्या करते हैं, एक वाइट पेपर शीट लेते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स खींचते हैं, उसका क्या करते हैं फोटोग्राफ लेते हैं, एक को काला पेंट करते हैं फोटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ जो ब्लैक होगा वो वाइट दिखाएगा, जो वाइट होगा उसका निगेटिव ब्लैक दिखाएगा, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या मान लिया, हमने सिर्फ सम वाले पेंट कर दिए, विषम वाले की इंटेंसिटी है तो सबको सिर्फ विषम वालों को जोड़ दिया, किसी को पेंट ना करें तो इतना हो जाएगा, इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई, हल किया M1/2 आ गया, ठीक है सर। फिर हमने लिख दिया कि अगर P पे इंटेंसिटी मैक्सिमम करनी है तो बिल्कुल सामने रखना पड़ेगा और तब जो RN का मान होगा वो अंडर रूट NB लैम्डा के बराबर होगा, 1, 2, 3, 4 टोटल N में वाले के NB लैम्डा के बराबर होगा, स्क्वायर करेंगे तो B का मान आ गया RN स्क्वायर बटे में N लैम्डा, यही फोकल लेंथ होगी। फोकल लेंथ को FN से लिख दिया, FN का मतलब 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे, मतलब कई सारे फोकस इसमें होंगे, ठीक है। लेकिन ये आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये तो हमने निकाल दिया, अब हम इसे प्रूव करेंगे कि FN बराबर होता है B बराबर RN स्क्वायर अपॉन N लैम्डा। चलिए इसे प्रूव करते हैं। दोस्तों इसे प्रूव करने के लिए हमने लिख लिया एक्शन ऑफ अ जोन प्लेट फॉर अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, यानी स्फेरिकल मतलब एक गोलाकार वेव फ्रंट है जिसकी सहायता से हम लोग जोन प्लेट के एक्शन को निकालेंगे, ठीक है सर। तो गोलाकार कैसा होता है, लीजिए सर इस तरीके का गोलाकार होगा, बहुत आसान है। हमने क्या किया, देखिए हमने जोन प्लेट क्या मान रखी थी, एक्स वाई, ठीक है, इसके चारों तरफ गोलाकार के लिए हमने एक पॉइंट मान लिया एस और एक पॉइंट मान लिया है पी, उधर की डिस्टेंस है ए और इधर की डिस्टेंस है बी, ठीक, हमने लिख दिया है। फिगर में एक्स वाई एक जोन प्लेट का सेक्शन है, एस क्या है पॉइंट स्क्रीन ऑफ लाइट है, यानी यहां से सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, तथा पी वाई पॉइंट है जिस पर इंटेंसिटी मेजर करते हैं। सरल भाषा में कहें तो यहां पर कोई वस्तु रख दे रहा है, यहां पर उसका प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट उधर है इमेज इधर है, ठीक है, उसी तरीके से यहां सोर्स यहां से लाइट आ रही है और यहां पर लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करेंगे, ठीक है सर। तो आसान है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या एसओ, देखिए एसओ ये कितनी है ए, यहां से यहां तक की क्या है ओपी, तो एसओ प्लस ओपी क्या हो जाएगी ए प्लस बी, तो हमने लिख दिया एसओ प्लस ओपी बराबर ए प्लस बी। लेकिन अगर हम यहां से नापेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए मान लिया इस तरीके का ये बनता है ये, तो अगर हम इसे नापेंगे तो देखने में लग रहा भाई ये वाली दूरी थोड़ी ज्यादा चली है, दूरी प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है, यानी तरंग दैर्ध्य, तो कितनी मान लिया चली है, मान लिया जब हमने एस एम वन यहां से यहां तक फिर एम वन पी, यानी ये वाली डिस्टेंस अगर निकाली है तो ए प्लस बी तो वो चलेगा ही, साथ में कितनी लैम्डा वाई टू और चलेगा हमने मान लिया, तो हमने लिख दिया प्लस का लैम्डा वाई टू। फिर हमने इसी तरीके लिखा अगर एस एम टू निकालें, यानी अगर ये वाली दूरी निकालें, ये वाली देखिए सर ये वाली है, ठीक है सर, तो क्या होगा SM2 plus M2P मान लिया 2 lambda by 2 हो गई, थोड़ा और निकालेंगे तो 3 lambda by 2, 4 lambda by 2, ऐसे ही N lambda by 2 तक जाएगा, तो हमने लिख दिया है SMN plus MNP बराबर A plus B plus N lambda by 2 सर, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, हमने लिखा SMN बराबर, जरा देखिए SMN मान लिया कहीं पे होगा MN बराबर, आपने पढ़ रखा है कर्ण का स्क्वायर, ये देखिए टेढ़ी वाली का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है सर। तो हमने लिख दिया ये देखिए टेढ़ी वाली का स्क्वायर यानी MN का स्क्वायर, ये देखिए SMN बराबर, ठीक है, RN का स्क्वायर, ये देखिए ये वाली जो दूरी है, मान लिया ये वाली दूरी R1 जे R2 जे R3 दूरी होगी, तो यानी परपेंडिकुलर यानी RN का स्क्वायर प्लस साथ में क्या होगा ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए आधार कितना है A, तो ए स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा सर, ठीक है। तो जरा देखिए कितना आसान है, इसी तरीके से एम एन पी वाले के लिए हो जाएगा, अगर इधर से निकालेंगे, ये देखिए अगर हमने एस वाले के लिए निकाला तो ये आ गया, पी वाले के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर आर एन स्क्वायर, बिल्कुल सेम वैसे रहेगा, ठीक है, यानी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और एस एम एन और एम एन पी के मान निकाल लिए, बस अब कुछ नहीं करना है सर। फ्रॉम इक्वेशन 5, ये देखिए इक्वेशन 5 है जो हमने निकाल ली थी, ये दोनों मान उठा के आपको इसमें रख देने, रख दिया सर, चलिए रखिए एस एम एन का मान रख दिया,
एम एन पी का मान रख दिया, बराबर में चल रहा ए प्लस बी एन लैम्डा बाई टू रख दिया, ठीक है। उसके बाद यहां से भैया ए कॉमन ले लिया तो बटे में ए आ गया, यहां से बी कॉमन ले लिया तो बटे में बी आ गया, बाइनोमियल थ्योरम लगाई, थ्योरम क्या होती है जो यहां लिखा होता है वो आगे आ जाता है, चलिए सर आगे ले आते हैं, वन लिख दिया, वन अपॉन टू आगे ले आए, आर एन स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इसे रन दिया, बी लिख दिया इसे आगे ले आए, जे जैसे चल रहा वैसे चलने दिया, ए और बी अंदर भेज दिए, गुणा होएगी यहां आएगा ए, ए के से ए के कट जाएगा आसानी से, जब कैंसिल दोनों तरफ देखिए इधर भी ए प्लस बी है इधर भी ए प्लस बी है, ए प्लस बी से ए प्लस बी भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा ये आर एन स्क्वायर अपॉन टू भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी बराबर एन लैम्डा बचेगा, ठीक है। आर एन स्क्वायर नीचे ले आएंगे तो आएगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी बराबर एन लैम्डा अपॉन आर एन स्क्वायर, ठीक भैया चलो। और कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा, लेंस के लिए वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन बी माइनस का वन अपॉन यू, अगर हम दोनों की तुलना करें तो जेलो इधर वाले बराबर है, यानी ये मान हो जाएगा वन अपॉन एफ का एन लैम्डा अपॉन आर एन स्क्वायर, ठीक है भाई, यानी एफ का मान कितना जाएगा आर एन स्क्वायर अपॉन लैम्डा जो हमने पीछे लिख रखा था। ये आप तब प्रूव करेंगे जब साफ में पूछेगा, ठीक, लॉन्ग में डिटेल अगर पूछे तो आप इसे पूरा प्रूव करके दिखा देंगे और पूरा जोन प्लेट कायदे से ये हो जाएगा। अगर कठिन लग रहा है चलिए आसान कर देते हैं, एक जोन प्लेट ले ली, स्फेरिकल के लिए ले रहे, स्फेरिकल मतलब इस तरीके का पूरा गोला दिखना चाहिए तो दोनों साइड ले लिया, यहां पर एक सोर्स रखा हुआ है, यहां पर उसकी इंटेंसिटी मेजर कर रहा है, इधर की डिस्टेंस ए है, इधर की डिस्टेंस बी है, ये क्या हो गया एम वन एम टू कई पार्ट्स में बांट दिया हमने से, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस लेंगे तो क्या होगी ए प्लस बी, यहां तक की लेंगे तो प्लस लैम्डा बाई टू, यहां तक की ले लेंगे टू लैम्डा बाई टू, तो टोटल एन वाले के लिए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एन लैम्डा बाई टू। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इधर वाले मान निकाल लिए, इधर वाले मान निकाल लिए, उसके बाद दोनों के मान उठा के समीकरण एक में रख दिए, स्क्वायर के लिए ए और बी कॉमन ले लिया, बाइनोमियल थ्योरम लिखा कि इसे आगे ले आए, ए और बी कैंसिल हो गया, कॉमन लिया वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी बराबर इतना आ गया, ठीक है। लेंस के लिए फॉर्मूला होता वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ, दोनों तरफ तुलना कर दी तो वन अपॉन एफ का मान आ गया एन लैम्डा अपॉन आर एन स्क्वायर, यानी सरल भाषा में कहें तो आर एन स्क्वायर एफ एन बराबर जाएगा आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा, ठीक। ये क्या लिखा सर जी, ये लिखा यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है, हमेशा इधर वाली दूरियां माइनस होती हैं, उधर वाली दूरियां प्लस होती हैं, इसलिए ए का मान माइनस लेंगे बी का मान प्लस लेंगे, जब इस फार्मूले में रखेंगे अपना प्लस में आ रहा था तो आ जाएगा वन अपान बी माइनस वन अपान ए बराबर इतना, दोनों का मान बराबर है तो वन अपान एफ का मान आर एन स्क्वायर अपान एन लैम्डा आ जाएगा। तो बहुत आसान है, जोन प्लेट क्या होती है, हाफ पीरियड जोन को प्रोड्यूस करने के लिए जो बनाई जाती है उसे जोन प्लेट कहते हैं। करते क्या है भैया, एक व्हाइट शीट लेते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, जो काला होता है वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, जो व्हाइट होता है वो हम लोगों को डार्क दिखता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से फोटोग्राफ की सहायता से निकाल लेते हैं एक्शन ऑफ जोन प्लेट, ठीक है सर। तो ये पूरा जोन प्लेट हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन हाँ जब भी वीडियो लेके आते हैं तो आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर सटीक वीडियो लाते हैं, उम्मीद करेंगे जोन प्लेट के लिए अब आपको कोई और वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और नहीं भी करना है तो सर एक कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये क्लास। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।